आइए अब हम सालमी तमयक के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। किसी मादे की सालमी कमियत यानी इस मादे के एक सालमे में मौजूद तमाम जोहरों की जोहरी कमियतों का मजमू होती है। इसके पहले हमने देखा कि जोहरी कमियत किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमू जोहरी कमियत कहलाता है। और जोहरी कमियत की तरह सालमी कमियत को भी डाल्टन इकाई के जरिए जाहिर किया जाता है। हमने देखा था कि जोहरी कमियती अदद को डाल्टन इकाई के जरिए जाहिर करते हैं, इसी तरह सालमी कमियत को भी डाल्टन इकाई के जरिए जाहिर करते हैं। दी गए जदूल को देखिए, इसमें अज्जा की कमियत, जोहरी कमियत और जोहरों की तादाद का ज़र्ब, सालमे में जोहरों की तादाद, जोहरी कमियत, बुनियादी अंसर और सालमा दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सालमा कौन सा दिया गया है। इसमें हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी पानी का सालमा दिया गया है, जिसके बुनियादी अंसर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जोहरी कमियती अदद है इसका एक और ऑक्सीजन का है 16। हाइड्रोजन का एक इसलिए है क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, और ऑक्सीजन का इसलिए क्योंकि इसमें 16 प्रोटॉन होते हैं। अब इसके सालमों के जोहरों की तादाद यानी हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन 1 है। जब हम जोहरी कमियत और सालमों में जोहरों की तादाद का ज़र्ब करते हैं तो हमें इसकी कमियत मिलती है, यानी हमें इसकी अज्जा की कमियत मिलती है। जैसे जोहरी कमियत 1 है और हाइड्रोजन के जोहरों की तादाद 2 है, इनके दरमियान ज़र्ब किया जाए तो अज्जा की कमियत 2 मिलती है। इसी तरह ऑक्सीजन की जोहरी कमियत 16 है और इसके सालमों में जोहरों की तादाद 1 है, 16 ज़र्ब 1 16, इसलिए अज्जा की कमियत 16 हासिल होती है। जब हम हाइड्रोजन के अज्जा की कमियत और ऑक्सीजन के अज्जा की कमियत की का मजमुआ करते हैं तो हमें साल में कमियत 18 हासिल होती है।